हेलो नमस्कार दोस्तों, 28 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है वो यहाँ पे ये है, सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण को लेके। देखो तो पहली बात तो ये कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स है, इसका मतलब ये होता है कि एक साइड तो है अपना मून और एक साइड अर्थ है। अगर बीच में सन आ जाए, ध्यान रखना मून और अर्थ के अगर बीच में सन की पोजीशन आती है, उस दौरान तो होता है सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। और अगर बात करें चंद्र ग्रहण की, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में ये होता है एक साइड अर्थ है, एक साइड लाइक होने पर सूर्य है, और बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। तो ये डिफरेंस है वो होता है आपको ध्यान में रखना कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में डिफरेंस है वो क्या होता है। सोलर इक्लिप्स का क्या फिनोमिना है कि जब मून है वो सनलाइट और अर्थ के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण है वो होता है। अभी देखो सूर्य ग्रहण हुआ था तो उसी को लेकर न्यूज है वो या आई है। अब हम बात करें जो सूर्य ग्रहण है वो कई तरीके का होता है, जैसे कि टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स और इसके बाद में एनुअल सोलर इक्लिप्स। होता क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। टोटल की अगर हम बात करें, टोटल सोलर इक्लिप्स मतलब क्या होता है कि जो सूरज होता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कम्प्लीटली कवर हो जाता है। तो इसलिए आपको साइड से हल्का, जैसे आप अर्थ से देख रहे हो किसी एंगल से, तो यहाँ से आपको उसे धुंधली धुंधली लाइट दिखेगी। तो हो जाएगा टोटल सोलर इक्लिप्स, मतलब कि सूर्य को कंप्लीट कवर है वो कर लिया गया है यहाँ पे मून के द्वारा। इसके बाद में अगर हम बात करें जो एनुअल सोलर इक्लिप्स होता है, इसमें क्या होता है कि इस तरीके से कवर किया जाता है कि साइड में हमें केवल सूरज की जो रिंग है ना वो दिखती है, मतलब एक सर्किल सा दिखता है केवल। अगर आप सन को देखोगे तो इस तरीके से एक सर्किल सा दिखाई देगा आपको, वो हो जाता है एनुअल सर्किल सॉरी सोलर इक्लिप्स। इसके बाद में आता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स में ये होता है कि थोड़ा सा हिस्सा है वो ग्रहण लगता है, जैसे कि आप दिख रहा होगा यहाँ पे जो सूरज है इसका एक थोड़ा सा हिस्सा है यहाँ पे देखने को दिख रहा है, तो ये हो जाता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो तीन टाइप के होते हैं इक्लिप्स, वो आपको ध्यान में रखने हैं कौन कौन से क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है सतवाहन डायनेसिटी के बारे में, तो हम एक बार इसके बारे में देखते हैं। न्यूज देखो ये आई है कि सतवाहन जो डायनेसिटी है या सातवाहन जो डायनेसिटी थी, इसका अभी एक संस्कृत का अभिलेख है वो मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है। तो उसी को लेकर न्यूज हमने आई है कि भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टडी की है कि वो सातवाहन डायनेसिटी का है। अब हम जानते हैं यहाँ पे सातवाहन डायनेसिटी या सातवाहन डायनेसिटी। देखो ये दक्कन एरिया है, दक्कन वाला एरिया कौन सा है, जैसे ये हो गया हमारा यहाँ पे इंडिया का, तो जो ये यहाँ पे दक्कन वाला एरिया है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना कुछ एमपी का एरिया आता है, ये होता है दक्कन वाला, दक्कन प्लेटू के जिसे नाम से हम जानते हैं। तो उस वाले एरिया में सातवाहनों ने राज है वो किया था। इन्होंने राज किया था लगभग, हम बात करें तो जो 3rd सेंचुरी BC, लगभग 272 से लेके लगभग आई थिंक 272 से लगभग 248 ऐसे कुछ है टाइम पीरियड है, उस बीसी के बीच में इन्होंने काम वो या रूल है वो किया था। मतलब मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ था, मौर्यों का जब पतन हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, इसके बाद में सातवाहन डायनेसिटी है वो उभर के आई थी। तो एक तो ये पता होना चाहिए सिक्वेंस कि कौन से टाइम की बात है, 3rd सेंचुरी BC में इन्होंने राज किया था, इसी के साथ मौर्य साम्राज्य जब डिक्लाइन हुआ था तब सातवाहनों का उत्थान है वो एक तरीके से, वो मतलब धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहे थे। इनका एक दूसरा नाम भी है वो यहाँ पे दिया है एनराज, कि इनको एनराज नाम से भी जाना है वो जाता है एनराज डायनेसिटी। इनके जो तो सबसे पहले रूलर थे सातवाहन डायनेसिटी के, उनका नाम था सिमुका। तो फर्स्ट रूलर का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नाम इनका जो सबसे श्रेष्ठ आप बोल सकते हो कि सातवाहन डायनेसिटी के जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे जिसका नाम था गौतमी पुत्रा सतकर्णी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे सातवाहन डायनेसिटी के, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात यह थी कि सातवाहन डायनेसिटी ने क्या किया था, पोर्ट यानी कि बंदरगाहों का निर्माण किया था, और ये ट्रेड वगैरह काफी अच्छा करते थे, और ट्रेड में इनका वैल्यू भी था, मतलब इनकी इकोनॉमी के ऊपर हालत कमांड थी वो काफी अच्छी थी। तो उन्होंने ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों पे पोर्ट है वो बनाए थे। तो वेस्ट कोस्ट पे जो पोर्ट बनाया था दक्कन वाले पे, इसका नाम था कल्याणी, मतलब कल्याणी में इन्होंने एक पोर्ट बनाया, तो कल्याणी नाम का पोर्ट था। तो आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन ने वेस्टर्न जो दक्कन वाला हिस्सा है वहाँ पे कल्याणी में पोर्ट बनाया था, और इसी के साथ ही ईस्टर्न कोस्ट में जो पोर्ट बनाया था उसका नाम था गंजम। तो ये दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर याद यहाँ पे रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे हुआ है नारी शक्ति पुरस्कार। देखो नारी शक्ति पुरस्कार की स्टार्टिंग है वो हुई थी 1999 से। ये जो पुरस्कार है वो हमारे देश में कोई भी प्रतिष्ठित वुमेन या भी कोई भी ऐसी संस्था है जिसने कि महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, या फिर कोई संस्था हो जिसने बहुत अच्छा काम किया हो तो उसको भी इस अवार्ड से नवाजा है वो जाता है।
ये जो अवार्ड है वो हमारे देश में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा नेशनल लेवल पे अनाउंस है वो किया जाता है। कोई भी एमिनेंट जो वुमेन है उसको, या फिर कोई हम बात करें यहाँ पे एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर कोई भी एमिनेंट जो इंस्टीट्यूट होता है मतलब काफ़ी प्रतिष्ठित है जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, उसको इस अवार्ड के लिए सम्मानित है वो किया जाता है। नारी शक्ति जो पुरस्कार है इसमें 1 लाख रुपये की अवार्ड कैश राशि है वो दी जाती है, इसी के साथ सर्टिफिकेट है वो इश्यू किया जाता है। तो ध्यान रखना कि नारी शक्ति पुरस्कार है उसकी शुरुआत क्या की थी और क्या इसका मोटो है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे हुआ है तिब्बतन गजल के बारे में। गजल एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हिरण की ही एक प्रजाति है वो होती है, तो इस तरीके का यह देखने को मिलता है। इसका जो दूसरा नाम है वो गोवा नाम से भी इसको जाना है वो जाता है, तो कन्फ्यूज मत होना कि गोवा के हैं, तो वो इसी का नाम है दूसरा, इसको नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसका जो दूसरा नाम है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, काफ़ी डिफिकल्ट सा प्रोनाउंसिएशन है, तो आप यहाँ पे पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्पीसीज है वो एंटेलोप की, एंटेलोप मतलब जिसके जो सींग होते हैं ना ऐसे, उसको कहा जाता है एंटेलोप। तो मेनली ये तिब्बतन प्लेटू में पाया जाता है। ये जो हिरण की प्रजाति है, जो गजल की प्रजाति है, ये मेनली जो तिब्बतन प्लेटू है यानी कि चाइना में जो तिब्बत है उस वाले में प्लेटू में ही मेनली पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो IUCN की नियर थ्रेटनिंग लिस्ट में इसको शामिल है वो क्या गया, मतलब खतरा काफ़ी ज़्यादा है। और मेनली जो इनकी संख्या है वो केवल चाइना के अंदर ही है, चाइना के कुछ प्रोविंस हैं जैसे गानसू हुआ, इसके बाद जिनजियांग प्रोविंस हुआ, तिब्बत हुआ, जो शेंजुन हुआ, इन प्रोविंस में इनकी संख्या है। बट इंडिया में भी कुछ संख्या में पाए जाते हैं, जैसे कि लद्दाख वाला एरिया हुआ या फिर जो सिक्किम वाला एरिया है वहाँ पर इनकी कुछ गिनी चुनी संख्या है वो देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना तिब्बतन गजल है वो है क्या IUCN की कौन सी लिस्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो और आर्टिकल है यहाँ पे वो है ईट राइट इंडिया मूवमेंट के बारे में। देखो अभी कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये जो चलाया गया था हमारे देश में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में एक बॉडी आती है, स्टेचुरी बॉडी है, इसके द्वारा इस इनिशिएटिव की स्टार्टिंग की गई थी। मोटो इसका प्रोग्राम का ये था कि भी हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इसके पीछे एक रीज़न ये था कि बच्चे हैं वो काफ़ी अनहेल्दी फूड है वो खा रहे हैं, मतलब अच्छी डाइट है वो अपनी रूटीन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, काफ़ी जो फास्ट फूड वगैरह है ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसे मोटापे जैसी या फिर हम बात करें हाई कोलेस्ट्रॉल ऐसी प्रॉब्लम है, डायबिटीज समस्या देखने को मिल रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई एक ऐसा मूवमेंट चलाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है कि अच्छी और हेल्दी डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तरफ फोकस है वो किया जा सके। तो ईट राइट जो इंडिया मूवमेंट था इसमें ऐसे कुछ पॉइंट रखे गए थे गवर्नमेंट के द्वारा कि जैसे जो भी फास्ट फूड वगैरह है जो तेल में चीज़ें फ्राई होती हैं तो तेल में इससे ज़्यादा बार फ्राई नहीं करना है। जैसे आपको पता है कि नॉर्मली जो हम देखते हैं मार्केट में समोसा जैसे आइटम है ये क्या करते हैं जो दुकानदार, ये एक ही तेल में बार बार फ्राई करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि अनहेल्दी के जो गुण है सैचुरेटेड फैट है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मूवमेंट है ये प्रोग्राम है वो चलाया गया था। या फिर हम बात करें कि हमारे देश में जो फूड कल्चर है इसमें जो काफ़ी सारी कमियां हैं कि भाई जो सेफ्टी वाली चीज़ें हैं उनको फोकस किया जा सके, सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेज हैं हैबिटेट में लाए, इसके लिए ईट राइट इंडिया मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था। अभी न्यूज़ ये आई है कि जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसने एक इवेंट या बोल सकते मेला चला है जिसका नाम है ईट राइट मेला, मतलब इस मेले में एक तरीके से खाने को लेकर अवेयरनेस है वो प्रमोट की जाएगी, तो उसी को लेकर यहाँ पर न्यूज़ है वो आई है। इसकी वजह से टैगलाइन ये रखी गई थी ईट सेफ ईट हेल्थी एंड ईट सस्टेनेबल फॉर प्रोग्राम, तो ये आप थोड़ी थीम भी कहीं याद रख सकते हो उसका यूज कर सकते हो कि अच्छा खाना है, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, इसका सस्टेनेबल मतलब हमें कंटिन्यू जो खाने की क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो आज के जो आर्टिकल थे वो कुछ इतने इतने ज़्यादा न्यूज़ है वो आज देखने को नहीं मिली, अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सोलार इक्लिप्स के बारे में जाना कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सूर्यग्रहण, मतलब एक साइड होता है हमारा अर्थ, एक साइड होती है हमारी सन और बीच में सॉरी एक साइड होता है मून और बीच में हमारे सन मास हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हमने देखा सॉरी जो हमने ये डिस्कस किया था आपकी मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है उस कंडीशन में होता है सूर्यग्रहण, और चंद्रग्रहण में क्या होता है सूर्य है वो बीच में आ जाता है। तो ये आप कन्फ्यूज मत होना, ये चीज़ आप अच्छे से क्लियर रखना। इसके बाद में हमने यहाँ पे जो सातवाहन डायनेस्टी है इसके बारे में डिस्कस किया, इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उसको कवर किया। फिर हमने यहाँ पे जो तिब्बतन गजल है इसके बारे में डिस्कस जो कि हिरण की ही एक प्रजाति है जो कि IUCN की नियर थ्रेटनिंग लिस्ट में शामिल है। फिर हमने जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, ईट राइट मेला है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू अनुज फॉर डिस्कशन।